नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ एक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका भी आयुष्मान कार्ड बना हुआ है और आपने आयुष्मान कार्ड को पीवीसी आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं यानी कि प्लास्टिक आयुष्मान कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि अगर आपका भी आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो आपको ऑनलाइन कैसे इसको ऑर्डर करना है, कैसे आपके घर पर आएगा, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो अगर आपका भी आयुष्मान कार्ड बना हुआ है और आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा। और वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आयुष्मान कार्ड को ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर जैसे ही ओपन करेगा यहाँ आपको टाइप कर देना है आयुष्मान ऐप, ठीक है, आपको इतना लिखना है आयुष्मान ऐप और इतना लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे आप इतना लिख के सर्च करते हो तो आपको सामने देखेगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। देखते हैं यहाँ पे लास्ट अपडेट जो हुआ है यहाँ पे 31 अक्टूबर 2023 को हुआ है, तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है तो आपको इसको अपडेट कर लेना है। और जैसे अपडेट कर लीजिएगा यहाँ आपको देखना ओपन का ऑप्शन, आपको ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, वेट करेगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको हमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ आपको देखने का लॉगिन का ऑप्शन, आपको इसी लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको दो ऑप्शन देखने का, पहला बेनिफिशियरी दूसरा ऑपरेटर का। तो यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी, अगर आपका ऑपरेटर आईडी नहीं तो बेनिफिशियरी को सिलेक्ट करिएगा, और नहीं तो आपका पास ऑपरेटर आईडी है तो आपका ऑपरेटर आईडी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर या फिर यूजर आईडी को टाइप करना है, वेरीफाई वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे मोबाइल नंबर को टाइप करके वेरीफाई कर लीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा चार ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, पहला पासवर्ड, दूसरा मोबाइल ओटीपी, आधार ओटीपी या फिर आधार फिंगरप्रिंट। तो अब जिसके माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं बस आपको क्या करना है उसी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप लॉगिन हो जाते हैं, लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने मिलेगा। यहाँ आपको देखना सबसे पहले स्टेट का नाम, ठीक है, आपका जो भी स्टेट है पहले आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना। चलिए स्टेट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे स्टेट को सिलेक्ट करेगा उसका आपको देखने का स्कीम नेम, तो आपको यहाँ पे पीएमजेवाई को सिलेक्ट करना है। नीचे आपको देखने का सर्च बाई, आपको सर्च वाला यहाँ सिलेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेगा तो यहाँ देखिएगा फैमिली आईडी, आधार नंबर, नेम, रूरल, अर्बन, पीएमजेवाई आईडी, जो भी आपके पास उपलब्ध होगा उसी को आपको सिलेक्ट करना। चलिए हम आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। आधार नंबर को सिलेक्ट करेगा यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है, तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना। जो भी आप स्टेट सिलेक्ट करेगा वहाँ पर ऑल डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसका आपको नीचे देखने मिलता है यहाँ पे एक बॉक्स आधार नंबर टाइप ईयर का। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप ऊपर सेलेक्ट करिएगा वही आपको यहाँ पे नंबर टाइप कर देना है। अगर आप फैमिली आईडी को सेलेक्ट करेगा फैमिली आईडी टाइप करेगा, आधार नंबर को सेलेक्ट करेगा तो यहाँ पर आधार नंबर को टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे देखिएगा सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा यहाँ देखिएगा प्रोसेसिंग और रिक्वेस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसका थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आपके यहाँ देख सकते हैं आपके आधार कार्ड में या फिर आपके राशन कार्ड में जितने भी मेंबर एड होंगे सबका यहाँ पे कार्ड देखने को मिल जाएगा। अब इनका जिनका भी आपको कार्ड ऑर्डर करना है उनके लिए आपको यहाँ पे देखना डाउनलोड कार्ड का एक ऑप्शन, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है डाउनलोड कार्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे डाउनलोड कार्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने देखिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे साइड में देखिएगा तो यहाँ पे सबका नाम शो हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है जिनका भी आपको आयुष्मान कार्ड डिलीवर करना है यहाँ पे देखिएगा चेकबॉक्स का ऑप्शन देखने मिलता है, आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे उनके नाम पर भी क्लिक कर देना। जैसे उनके नाम पर क्लिक करिएगा देखिएगा आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर उनका नाम देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं भी देखने को मिला तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन बाई वाला ऑप्शन पर यहाँ पे सिलेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, उनका नाम जितने भी मेंबर रहेंगे उन्हें उनका नाम को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आधार, ओटीपी, फिंगरप्रिंट, आईरिस या फेस ऑथ, ठीक है, जिसको भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से आप उनका ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं आपको उसको सिलेक्ट करना। जैसे आधार ओटीपी को सिलेक्ट कर लिए हैं, यहाँ पे देखिएगा उनका आधार का लास्ट 4 डिजिट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन भी देखने को मिल जा रहा है। आपको क्या करना है वेरीफाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, कुछ कंसेंट देखने को मिलेगा, आपको इसको रीड करना है, चेकबॉक्स पे क्लिक करना, अलाउ वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इतना कर दीजिएगा तो उनके आधार में जो लिंक एक मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी को सेंड किया जाएगा। लेकिन अभी कुछ ऑप्शन यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, जैसे कि अब एक जिनके आधार कार्ड में जिनका आप ऑर्डर करेंगे उनके आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी को सेंड किया जाएगा, और यहाँ पे जिसके मोबाइल नंबर से आप लॉगिन हुए रहेंगे उनका मोबाइल नंबर को आपके ओटीपी यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे कि अगर ऑपरेटर आईडी से अगर आप लॉगिन हुए हैं तो ऑपरेटर आईडी का जो मोबाइल नंबर है जो यहाँ पे रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी को सेंड किया जाएगा, एक ओटीपी आपके आधार में मोबाइल नंबर को सेंड किया जाएगा, तो दोनों ओटीपी आपको फिल कर देना है। ओटीपी को आप फिल करिएगा, फिल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, प्रोसेसिंग और रिक्वेस्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना। वेट करिएगा देखिएगा यहाँ पे जैसे ही प्रोसेसिंग हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर उनका कार्ड व्यू के नीचे आपका उनका कार्ड शो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर उनका नाम शो हो रहा है तो यहाँ पे एरो का निशान दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा एरो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे एरो वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का कार्ड देखने को मिल जाएगा, और यहाँ आपको देखने का डाउनलोड
प्रिंट शेयर, और यहाँ पे देखिएगा लास्ट में आपको यहाँ पे डिलीवर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे बस आपको क्या करना है, जिनका आपको कार्ड डिलीवर करवाना है उनके आपको यहाँ पे डिलीवर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे डिलीवर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे देखिएगा आप डिलीवर हो जाएगा। तो बहुत स्टेट ऐसे हैं अभी कार्ड डिलीवर होना स्टार्ट हो गया, तो बहुत स्टेट अभी ऐसे भी हैं कि कार्ड अभी डिलीवर नहीं किया जा रहा है। तो आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपका जो आपके स्टेट में यहाँ पे कार्ड डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके स्टेट के लिए हम बना पाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।